गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम आपको जी जो कार्बोरेटर है इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जी जो बाइक है जो होंडा की जो शाइन बाइक आती है 125 सीसी का उसका बाइक है और इसमें बटरफ्लाई कार्बोरेटर लगा होता है। देखिए इसको हम बटरफ्लाई कहते हैं। इसकी जो स्लाइड है बटरफ्लाई की कुछ इस प्रकार की इसमें इंस्टॉल की गई होती है और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है जो 100 सीसी और 110 सीसी की जितनी भी बाइक जो आती हैं उनमें से थोड़ी डिफरेंट होती है और ज़्यादातर जो इंडियन बाइक है जो 100 सीसी से लेके 115 अपने सीसी तक की बाइक है उसमें जो है स्लाइड जो कार्बोरेटर है उसका जो प्रिंसिपल और इसके प्रिंसिपल में डिफरेंस है। उनका सिंपल कार्बोरेटर होता है, स्लाइड जो होती है एसिलरेटर केबल से ही अप की होती है। मतलब जैसे ही हम एसिलरेटर देते हैं और जैसे ये जो मतलब स्लाइड है ऐसी अप डाउन होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम इसके पार्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इसको मतलब डीअसेंबल करके बताते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें जो दो स्क्रू होते हैं इसको हम ओपन करेंगे। ये इसका कवर होता है और इसमें एक एक बड़ा सा स्प्रिंग होता है। याद रखिए आपने कभी भी इस स्प्रिंग को मतलब ऐसे एक्सपेंड नहीं करना है, मतलब नहीं तो इसकी जो स्लाइड है ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगी। और इसकी स्लाइड में ये डायाफ्राम होता है और जब भी कभी हम इसको पेट्रोल से वॉश मतलब यानी कि करें कार्बोरेटर को, एक चीज का हमने ध्यान रखना है कि इस डायाफ्राम को हमने पेट्रोल से बिल्कुल भी वॉश आउट नहीं करना है, क्योंकि अगर इस डायाफ्राम में किसी भी तरह का शेद हो जाएगा तो ये जो कार्बोरेटर है एक किस्म से पूरा डैमेज हो जाएगा और आपको इसको चेंज ही करवाना पड़ेगा। और इस कार्बोरेटर का प्राइस अप्रोक्सीमेट 5000 के आसपास है। जैसे ये एक डैमेज कार्बोरेटर हो गया है उसका रीज़न है ये देखिए, ये स्लाइड में मतलब ये स्क्रैच आ गए हैं और ये इसकी सिलाई होती है और जब जैसे ही इस स्लाइड में स्क्रैच आते हैं तो देखिए इसका जो बेस है ये देखिए इसमें भी स्क्रैच जो हैं वो आगे हुए हैं आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे ही मतलब इसमें स्क्रैच नज़र आ जाएंगे और ये वर्क अच्छी तरीके से नहीं करता। जैसे ही मतलब इसका वर्किंग ऐसे होता है, ये जो कार्बोरेटर की साइड होती है और ये जो होता है जो मतलब इंजन में हेड में जो पेट्रोल जाता है वो इस तरफ से होता है। जैसे ही ये जहाँ से एयर लेता है और इससे एयर यानी कि जहाँ पर आती है और ये स्लाइड जो है इस एयर के दौरान मतलब यानी कि ऐसे ऊपर होती है और इसी के प्रिंसिपल से ये नीचे जाती है। अगर यानी कि इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस मतलब आ जाता है, ये अच्छी तरीके से ऐसे वर्क नहीं करती और मतलब जो हमारा जो बाइक है उसमें मतलब स्लो रेस की प्रॉब्लम होती है, मतलब हाई आरपीएम हो जाना, लो आरपीएम आ जाना, जो हमारी गाड़ी है अच्छी तरीके से एक्सीलरेट ना देना, वो सभी इस कार्बोरेटर के ऊपर में प्रॉब्लम होती है। और जिस शाइन बाइक में अक्सर ये प्रॉब्लम देखी गई है इसको हम एक किस्म से मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट भी कह सकते हैं। वैसे तो ये कार्बोरेटर बहुत अच्छी तरीके से मतलब यानी कि बनाया हुआ है कीहन कंपनी ने, लेकिन फिर भी इस कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आती है। ये जो पोर्शन है ये तो चोक का पोर्शन है, जहां पर चोक लगती है मैनुअल चोक है, कोई भी सोलेनॉइड चोक इसमें नहीं आती। और ये टीपीएस सेंसर है, जहां पर टीपीएस सेंसर लगता है इसको थ्रॉटल पोजीशन सेंसर कहा जाता है। और जो एसिलरेट केबल है जहां पर लगती है और जैसे हम एसिलरेट देते हैं ये ऐसे काम करता है और ये जो काम करता है इसका काम होता है सीधा मतलब एयर उस तरफ से लेना और उस तरफ से काम करना है। मतलब एसिलरेट केबल का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो सीधा स्लाइड के साथ इसके साथ नहीं है और ये सभी बटरफ्लाई कार्बोरेटर का यही प्रिंसिपल है। और ये जो है आरपीएम स्क्रू है, हम गाड़ी का जो कम और जो इंक्रीज आरपीएम करना है जहाँ से कर सकते हैं, जैसे हम इसको कसेंगे और आरपीएम इंक्रीज होगा, जैसे हम इसको कम खोलेंगे और इसका आरपीएम कम होगा। और इसका जो एयर मिक्सचर स्क्रू है ये है, किसी वीडियो में हमने देखा है
की कहते हैं कि इसको हमने जो है 4 टर्न पर इसकी सेटिंग होती है, कोई कहता है 4.5 टर्न होती है। चलो हम मानते हैं कि जो कंपनी की सेटिंग है वो 4 या 4.5 RPM जो हमारा स्टैंडर्ड बोर का पिस्टन है उसके ऊपर चलती है। जैसे ही हम इस गाड़ी में बोर करवाते हैं होंडा शाइन में, तो इसकी जो मतलब सेटिंग है वो कम ऊपर नीचे हो सकती है। कार्बोरेटर जी एयर मिक्सचर मतलब जो स्क्रू का मतलब सेट करने का सबसे महत्वपूर्ण फंडा हमने ये देखा है कि हम सिर्फ अपने गाड़ी के स्पार्क प्लग से मतलब चेक करेंगे कि उसकी जो मतलब कंडीशन है कि मतलब वो वाइट है या ब्राउन है या ऑयल फूल्ड है और या ब्लैक है, मतलब उसकी आधार पर ही हम इसको सेट करते हैं जो मिक्सचर होता है। बाकी हम इसकी जो पेट्रोल की मतलब ये जो बाउल है इसको भी हम कटोरी को भी खोल कर दिखा देते हैं। इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है जितने बाकी सब कार्बोरेटर होते हैं, वैसे ही इसमें मतलब कुछ मतलब इसमें पार्ट्स होते हैं। ये देखिए ये इसका फ्लॉट है, इसमें तो कोई भी खास नहीं है जैसे दूसरे कार्बोरेटर में होता है वैसे ही इसमें होता है। ये देखिए इसमें ये फ्लो मतलब नीडल होती है जो पेट्रोल को मतलब कम और मतलब यानी कि जहां से पेट्रोल एंटर होता है कटोरी में, और ये जो नीडल होते हैं जितना इसको मतलब पेट्रोल चाहिए बाद में इसको बंद कर देती है। ये जो मेन जेट है इसका ये स्लो जेट है, और ये देखो ये स्लाइड है मतलब जैसे एसिलेट करते हैं, और ये जो है मतलब एयर का जो मतलब फ्लो होता है मतलब उसी के आधार पर ये स्लाइड मतलब ऊपर नीचे होती है। और हम एक बात आपको बता देते हैं, अगर आपके होंडा शाइन बाइक में मतलब एसिलरेशन की प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो इसी में प्रॉब्लम आती है स्लाइड में। कुछ मैकेनिक क्या करते हैं यानी कि इस केवल इस स्लाइड को चेंज कर देते हैं, वैसे तो ये बहुत कम चांस है कि ये मिलती है, और ज़्यादातर मतलब इस मतलब बेस में प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम होने के कारण मतलब आपका कार्बोरेटर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता, और ज़्यादातर इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। मतलब थोड़ा बहुत मतलब अगर टाइम निकल भी जाएगा तो फिर बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है, और इसका एक ही एकमात्र सोल्यूशन है, अगर हमारे बाइक में ये प्रॉब्लम आ गई है तो हमको अपना पूरा कार्बोरेटर ही चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड हैंड कार्बोरेटर के ऊपर ना जाएं, आप हमेशा नया ही कार्बोरेटर डलवाएं, मतलब अगर आप अपनी गाड़ी की अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस चाहती हैं। धन्यवाद।